क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की। बच्चे आ चुके हैं और इन 8 बच्चों को अब खाना देते हैं। इसका नाम साय। बलोनी कैसे खड़ी होती है? वो अच्छी अच्छी खड़ी होती है। बापू पानी आ रहा है मुंह में। चलो मम्मी खुद डाले अपने हाथों से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे है जी ब्रेकफास्ट का टाइम और फुजैन मेरी रोटी तो नहीं खाई, मेरी वो छोटे वाली रोटी है, पतली और छोटी। और ये फुजैन का ऑमलेट है। मैं सालन इसमें निकाल लूं अपना? हाँ आप इसमें निकाल लो। और ये रात को मैंने बनाया था भिंडी चिकन का सालन, थोड़ा सा ही मैंने रख लिया था अपने और फुजैन के लिए। तो ज़्यादा मैं खाऊंगी, ज़्यादा फुजैन खाएंगे, मैंने गर्म कर लिया है। और आज हमने चाय ना पहले ही पी ली थी, तो सफाई भी मैंने कर ली हुई है घर की, आधे घर की सफाई होगी आधी रहती है। बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बहुत है तुम्हारे लिए? हाँ बहुत है। मुझसे ना आप में से किसी ने पूछा था कि आपने अपनी डाइटिंग छोड़ दी, तो जी रमज़ान में तो मैंने डाइटिंग बिल्कुल नहीं की, लेकिन अब इंशाल्लाह अब दोबारा करूँगी। इसलिए मैं थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट कर रही हूँ डाइटिंग, एकदम से डाइट पर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर सिर्फ 1-2 ड्रॉप जितना ऑयल लगाया, समझ लें हाफ टी स्पून से भी कम लगाया मैंने। और छोटी सी अपनी रोटी बनाई और पतली सी, बिल्कुल पतली और छोटी सी, और ये मैं खाऊंगी अभी। बड़ा मज़े नाश्ता। अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है नाश्ते का। चलें जी अब हम लोग खा लेते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, आपको खा कर फिर मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अच्छा जी अब बच्चों के खाने का टाइम हो गया, अब मैं बच्चों को खाना खिलाने लगा। अच्छा मैं बच्चों को कैसे खिलाता हूँ? मेरे पास ना हमारे पास बच्चे काफ़ी सारे हैं, सबको इकट्ठा खिलाना मुमकिन नहीं है। जब मैंने इकट्ठा खिलाना हो तो आपने देखा होगा कि मैं एक नीचे कपड़ा बिछाता हूँ, केस बिछाता हूँ, उसके ऊपर फिर दे देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं वैसे नहीं करता, मैं ज़्यादातर बाउल्स में ही देता हूँ, क्योंकि जब वो बाउल्स में खाते हैं ना तो उनकी नीयत पूरी तरह भर जाती है। तो मैं देता हूँ उनको कैसे हूँ, अब मैं 8 बाउल हैं, इन 8 बाउल्स में सारे बिस्किट डाल लूँगा, फिर उन 8 बच्चों को मैं बाहर निकालूँगा और 8 बच्चों को मैं फिर इकट्ठे ना टेबल पे बाउल्स लगा दूँगा लाइन में। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, पहले फिल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें लाइन लगा दूंगा और फिर 8 बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर वो 8 बच्चों का नाम जो है वो नोट कर लूँगा और फिर उनको उस वो जो रूम नज़र आ रहा है ना आपको, उस रूम में अंदर बंद कर दूंगा बच्चों का। वो एक वो सामने वाला हमारा रूम है और ये बच्चों का रूम है, इसमें बच्चों को बंद कर दूँगा। और फिर जो है इस तरह वो जो है स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप होते हैं, फिर वो सब खाना खाते हैं और फिर उनकी नीयत भी भर जाती है। मैं आपको ना बाउल फिल करके दिखाता हूँ कि मैं फिल कैसे करता हूँ। अब ये देखें जी, ये सारे बाउल्स लगा दिए यहाँ सामने, अब बच्चे आएंगे बाहर और अपने अपने बाउल्स में ना खाना खाने लग जाएंगे। और 5 बाउल ये हैं और 2 ये लगाए हैं मैंने। ये देखें मैंने ऐसे जोड़ दिया बाउल्स ताकि वो वैसे लगाऊंगा ना तो 4 ही निकलेंगे वो और सारे बाउल्स गिरा देंगे। ऐसे मैंने लगाए हैं ताकि मैं अपने आदमी पकड़ूँगा जब वो बाहर आएंगे तो फिर उनको खिला दूंगा। वो देखें जी बच्चों के बाउल मैंने उधर रख दिए हैं डिस्पेंसर पे, अगर मैं यहाँ पे रखता ना तो वो सारे के सारे गिरा देते और फिर मुझे बड़ी मुसीबत होती उठाने में। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अब मैं बाहर बच्चों को निकालता हूँ। 8 बच्चे आएंगे बस, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने आ गए, 1, 2, 3 ये 7 बच्चे आए हैं, 7 एक और आ जाए, एक और सिर्फ एक बच्चा आए, बस 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 आ जाओ तुम भी आ जाओ जी। माशाल्लाह से टोटल 8 बच्चे आ चुके हैं और इन 8 बच्चों को अब खाना देते हैं। खाना इनका पड़ा हुआ है वो, और वहाँ से उठा के इनको देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये खाते कैसे हैं। अब ये देखें जी सब बच्चे माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया था ना कि ऐसे, मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैं बाउल्स लगाता हूँ फिर ये सब खाना खाते हैं, इनको मैंने सेट कर दिए हैं, अब ये खाना खा रही हैं।
अच्छा जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऐसे सेट करता हूँ बर्तन और फिर इनको खाना देता हूँ। ये देखें, अब ये माशाल्लाह सारे खाना खा रहे हैं अपना अपना। सारे खाना खाने में मसरूफ हैं, छोटे बड़े। और ये एक नीचे खा रहा है और ये दो ये ऊपर खा रहे हैं, काली बग्घी और ये राया। और ये से आप जानते हैं छोटी बिरयानी ब्राउनी, ये रे है। और ये छोटी मोनी, ये मैक्स। और ये कौन है, सुलेमान। और ये छोटी बड़ी बिरयानी। हमने अपना अपना खाना फिनिश कर लिया है। अब ये देखें, कुछ खाना फिनिश करके ये बैठे हुए हैं और कुछ वो बैठे हैं। और ये साहिबा जी यहाँ यहाँ बैठी हैं। और तुम्हारा नाम मैंने साहिबा रख दिया, ऐसे मुंह से निकल गया। ये देखो, इसका नाम साहिबा रख दिया मैंने। ये खाना खा के ना अब भी रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, इनका पेट फुल है। आपकी टिमी फुल हो गई। बिरयानी, बिरयानी। ओह, ये छोटी बिरयानी, तुम कितनी उजड़ी हुई हो छोटी। नूरी, नूरीन, साहिबा। और यहाँ खाना बन रहा है, बड़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अभी अभी नाश्ता किया और अभी दिल कर रहा है दोबारा से खाना खाना शुरू कर दूँ। अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है, पर तरह तरह की खुशबुएं आ रही हैं। बस मैंने अपना फ्रिज अपना सारा साफ कर दिया, बिल्कुल अंदर से चमक रहा है। मोहल्ले वाली आंटी भी कहती हैं सामने वाली कि तुम्हारे घर से तरह तरह की खुशबुएं आती हैं। कोई बात नहीं, इतनी खुशबू आ रही है किसी। बिरयानी, तुम्हारी फेवरेट चीज। फलोई, बड़ी बिरयानी रहती है मामा की, तुम्हारी फेवरेट चीज। अब तुम्हें अंदर अंदर बंद करना तुम सबको। बलोनी कैसे खड़े होते हैं, वो अच्छी अच्छी खड़ी होती है। मेरा हाथ खाली है और समझ नहीं मेरे हाथ में चिकन है। बलोनी कैसे खड़ी होती है, इधर आओ, खड़े होकर दिखाओ बलोनी कैसे। ओ एच, ओ मां छिटके, मां छिटके, माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर खड़े हो। ओए 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 मेरा बेटा। अच्छा मैं देती हूँ, फ्रिज से निकाल कर देती हूँ, रुक जाओ। ये हमारी जवान जीजी हैं, जवान जीजी। देखे इतनी मासूम, इतनी मासूम। आपको दिखाता हूँ इसकी शक्ल। जी 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 का चिकन किधर गया, उड़ गया जी जी का चिकन। जी जी जवान जी जी, इतनी प्यारी, एक अलग सी मासूमियत है इस पे ना। ये रहा, ये रहा। और ये हमारी छोटी मुनी, छोटी मुनी को अंदर बंद करने जा रहा हूँ। छोटी मुनी के मुंह में पानी आ रहा है, पानी। अभी भी ये पीछे से चार रोल्स और निकल आए हैं छुपे हुए। मैं यही तो देख रहा था। मेरे हाथ में बर्तन, ये मेरी फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, ये भी पड़ी हैं, ये भी पड़ी हुई हैं। मैं यही देख रहा था कि आज शाम की चाय के साथ, उस दिन मैंने समझा कि आखिरी हैं, पर अभी भी पड़े हुए हैं। देखो ये, देखो ये लोबिया पड़ा है, काफी नहीं होगा ये। कैसा नहीं, ज्यादा खाना फ्रेश बना लो। सारा है बॉइल्ड है ना ये। चलो यही ठीक है फिर, यही आज बना लो। बॉइल करने की जरूरत नहीं है, रात को ही बना दूंगी। ठीक है, सुबह भी ये खाया जाएगा अगर कम पड़े। रात को और कुछ बना। और आज हमने नहलाया है छोटे मैक्स को, और हम लोग नहलाते रहते हैं डेली किसी ना किसी बच्चे को। गर्मी आ गई है, बच्चों की ग्रूमिंग होने वाली है, हेयर मैट्स भी बन जाते हैं, तो आज मैक्स को नहलाया, उसके हेयर मैट्स जो हैं सारे रिमूव किए हैं। और अब शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे कुछ अपनी तस्वीरें पढ़ रही थी और फुजैल जो हैं उसको ड्राई कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से ही हमारा दिन सारा गुजर जाता है। और अभी हम शाम की चाय भी पियेंगे। अब जी मैक्स की ग्रूमिंग हो गई है, ड्राई हो गया, और हमने इसके जो हेयर मैट्स थे कुछ बने हुए वो भी उतारे हैं। और बस अब इसको परफ्यूम लगा रहे हैं, इसका डिओड्रेंट स्प्रे, और मैक्स फिर फ्रेश हो जाएगा। अभी जी हो गया है मगरिब की नमाज का टाइम, तो नमाज पढ़ लेते हैं। फुज़ैल साशा को भी करना है। आप ये देख के कह रही होंगे कि हम
हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई फर्स्ट एड बॉक्स की, तो भी हम बना लेते हैं करीब, टाइम ही नहीं मिलता बड़ी। चले अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनाएंगे। ब्लॉग कैसे डालते हैं? हाँ नेक्स्ट उधर रख दो ये, अभी इसको यहाँ पे रख दो, मैंने साशा की भी अभी ग्रूमिंग करनी है। ये भी रखो, साथ नीचे रखो, नीचे रखो, गिर जाएगा। नहीं गिरता। नेक्स्ट इसको चिकन दे दो बापू, पानी आ रहा है तुम्हें? बापू पानी आ रहा है, चाय के लिए पानी आ रहा है, मुंह चेक करनी है, सूखनी है बापू। जुबान पे बापू पानी आ रहा है, चेक करो, सिर्फ चेक करनी है आपने। हाय अल्लाह जी, बहुत ज्यादा दे नहीं सकते ना को बेटा। अच्छा बिरयानी चेक करो, बिरयानी जरा चेक करो, बिरयानी इन्होंने पहले खाया, चिकन खाया अभी, वो देखो वो डॉन जी आ रहे हैं। बाबू मम्मा से को दे। नहीं मेरे पास ना भेजो इसको। मफू बैठ गया ना कि मुझे अभी थोड़ी देर में चाय मिलेगी। मफू ये देखो इतनी यम्मी एंड टेस्टी चाय है। आप मेरे पास नहीं आ सकते, देखो फिर लिप्स पे जुबान पे। मफू ये एक मिनट चेक करो जरा। ओ मेरा कप नजर आ गया, और बिस्किट भी नहीं खा रहे, और आज मेरे चाय की लालच है ना, मेरी चाय पे नजर है, मेरी चाय पे भी नजर है, देखो मेरी चाय को देख के। मैं इसे जलील कर दूं, प्यार कर। देखो ब्रियानी वगैरह अंदर है, ब्राउनी तो अंदर है, ये मफिन विंडो से निकल के आया है। फुजैल आप क्या करते हो, आप ध्यान क्यों नहीं रखते? विंडो आपने ही शाम को खोली थी, अभी मफिन बाहर आ गया था और ये तीनों उसके ऊपर भौंक रहे थे। फुजैल ये तो कोई पकड़ लेते, अगर कोई बाहर का बिल्ला होता, इसने फिर भी हमारा लिहाज किया है। इसने फिर भी नहीं उसे पकड़ा, यहाँ पे मफिन खड़ा था इस जगह पे। नहीं मफिन ऊपर शहर चला गया था, भाग रहा था इनसे। नहीं तो यहाँ कैसे आया? वापस भाग के इधर आ गया, फिर इसको डरा ऊपर से आया भाग कर। हाँ मैं कह रही थी ना ऊपर कोई भाग कर गया है। फुजैल ये तो एक सेकंड में तीनों उसको चीर फाड़ देते मफिन को। बंधेगी ऊपर, अभी खुली नहीं रहेगी। आज अल्लाह ने हमें बता दिया कि ये शुक्र है आप फौरन मेरे ऑफिस में ना कभी भी एक कहने पे नहीं उठते। आप कभी मेरे कहने पे नहीं उठते, शुक्र है आज आप उठ के फौरन आ गए। नहीं बस ये डर भी गई थी मफिन से, ये तो डर गई ना। इस अगर शायद मफिन छत से भाग जाता कहीं। आज मफिन ना मरते मरते बचा है। हम लोग अंदर अभी बेड पे बैठे थे और अभी थोड़ी देर पहले ही मफिन हमारे पास बैठा था और ये विंडो लाउंज की खुली थी और यहाँ से बाहर आ गया और ये तीनों उस पर भौंकने लग गए ना, जैनी और उसके बच्चे। मैंने फौरन से फुजैल को कहा, मैंने कहा देखो ये कौन है गैरेज में जिसके ऊपर ये भौंक रहे हैं। फौरन से फुजैल आए तो वो मफिन था। शुक्र है इन लोगों ने पकड़ ही लिया, अगर ये तीनों पकड़ लेते तो मफिन आज हमारा मर जाता। जैनी को असल में हम लोगों ने पाला हुआ है ना, तो पता नहीं जैनी ने हमारा लिहाज कर लिया क्या कर लिया और वो मफिन से डर गई। ऐसा हालांकि हो नहीं सकता कि वो मफिन से डरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मफिन को नहीं पकड़ा। और अभी मैं अंदर जाके देखती हूँ क्या कर रहा है। ब्राउनी भी बाहर थी उसको भी देखती हूँ। मफिन आपको पकड़ा तो नहीं है? मफिन मफू तुम्हें कोई खुद डर नहीं है? मफू क्यों निकले थे भाई? उसे डर भी नहीं है कोई, देखो। नहीं डरा तो हुआ है, डरा तो हुआ है, लेकिन अपने आप को शो ऐसे करे कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ। हमारी छोटी पिस्ती अगर निकल जाती है, ये निकलती बाहर, अगर ये निकल जाती तो फिर शुक्र है मेरा चांद नहीं निकला बाहर। शुक्र करो उन्होंने आपको नहीं पकड़ा। फुजैल कैसे जैनी ने छोड़ दिया? जैनी बाहर के पिल्लों को तो नहीं छोड़ती? नहीं नहीं जो कुछ नहीं कहती जैनी, मैंने कई दफा देखा जैनी पीछे जरूर भागती है पर डर जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मफिन मफिन मैं क्या करती अगर आपको कुछ हो जाता, मैं तो मर जाती। अभी हम इतना प्यार कर रहे थे, ऐसे ही तो चला जाता है बच्चा, हाथ से निकल जाता है। अगर इसको पकड़ लेते तो फिर ये तो बहुत ही, ये हाथ आ जाती, ये छोटी है ना, अगर वो मफिन से डर गई। बिल्ला ना बिल्ले बिल्लों पे ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं और बार स्ट्रे डॉग्स भी ना पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ये स्ट्रे डॉग्स तो कैट को नहीं छोड़ते, ये तो घर की पली भी है और ये लिहाज करके डर जाती है। स्ट्रे डॉग्स नहीं छोड़ते, लेकिन फुजैल आज इसने छोड़ दी है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा छोड़ेगी। ये मफिन था तो ये किसी और को भी पकड़ सकती है। ये मफिन था तो मफिन मेरी जान मम्मा के पास आओ। फुजैल मफिन का सदका दो, जल्दी से मफिन के ऊपर पैसे वार के डालो गले में। ये हमारा
मदनी सदका बॉक्स पड़ा हुआ है, सुजैल इसमें जल्दी से पैसे डालो, मफिन पे सदका देंगे। ये तो बात सुनो, ये तो मफिन बड़ा था ना तो बचत होगी, अगर कोई छोटी बिल्ली होती तो फिर जेनी शायद उसे पकड़ लेती, ये जेनी के बच्चे पकड़ लेते। तीनों ने कैसे इस पे शोर मचाना शुरू कर दिया था, बलोनी। अच्छा हमने समझा कोई अंदर आ गया, गेट के अंदर इंटर हो गया, अगर गेट के बाहर से भी कोई गुजर रहा हो ना तो इतना ही नहीं, आज ज्यादा शोर मचाया था, आज ज्यादा शोर मचाया था। और शुक्र है आप उठ गए, वरना आप कभी मेरे कहने में नहीं उठते। चलो मफिन खुद डाले अपने हाथों से, चलो इसमें अब डाल दो, ये नहीं मफिन खुद डाले अपने हाथों से, मफू बस आप ही डाल दो, मेरी जान का टुकड़ा, मम्मा का बड़ा बेटा, मम्मा का। अब आप बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको पता ना बाहर कौन है, बिल्कुल नहीं, विंडो चाहे खुली हो या बंद हो आपने कोशिश भी नहीं करनी बाहर जाने की। इसे पूछो ऊपर भी भाग के गए थे, आप क्या था छत पे गए थे ना, मुझे आवाज आई थी आपकी, पहले मैंने कहा सनी आ गया के सनी ना आ गया हो ना, पास करो पढ़ी सुनाओ। मफू मैंने समझा सनी आ गया, फिर जब तुमने आके मफू को देखा यहाँ पे जब बैठा हुआ था ना तो मेरी जान में जान आ गई और मैं एकदम डर भी गया, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मफिन की बचत हो गई। अब देखो बहुत बुरा हादसा होता खुदा, अब देखो बाहर जाके देख रहे, आज बहुत बुरे हादसे से अल्लाह ताला ने बचाए। अब देखो बाहर जाके ना मुआयना कर रहे कि बाहर कौन है, आज अल्लाह पाक ने ना मफिन को दूसरी जिंदगी दी है। मैंने एकदम से स्ट्रेस लिया और मेरे ना बाजू में दर्द होने लग गया, फिर जैसे ही स्ट्रेस लूँ ना तो मेरे बाजू में पेन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो देख रहा है, नीचे इसको अंदर कर दो, रूम में कर दो इनको, नहीं इसको जरा चक्कर ना दे बाइक पे, चलो दे चलो आओ चलो। डॉन डॉन अब देखने का क्या फायदा, डॉन वो बाहर ही है बेटा, आपने बाहर नहीं जाना, जब भी जाना है मामा के साथ जाना है। मैक्स चलो मैक्स आओ। बिरयानी आ, तुम्हारे तो नाना बू बचत होगी तुम्हारे नाना बू की, चले इन दोनों को तो अंदर कर दो, इन दोनों पीछे हो जानी, मैं तो इसका नाम जैनी है, जैनी है मैं प्यार से जानी कहता हूँ, अब पीछे हो जाओ, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना तुमने। मफिन ना बहुत डरा हुआ था इसलिए हम मफिन का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना इसको बाइक राइड दे रहे हैं ताकि ज़रा खुश हो जाए, जाओ इनको देखना डर के जंप ना कर दें इनसे। फुजैल हाथ रखना, डर के नीचे ना जंप कर दें, चलो ठीक है। मफिन कौन सी बिल्ली, बिल्ली के पीछे कौन सी बिल्ली बैठी है, बिल्ली की इतनी तेज स्पीड है और बिल्ली की ना इतनी तेज स्पीड है और बैठी ना स्लो स्पीड में उसके पीछे भाग रही है, इतना भगा कितना काम कर दिया मफिन, उतरने का दिल ही नहीं है कहता दोबारा जा, चलिए अंदर चलो ले जाओ एक और राउंड दे, देख कैसे रहा है, देख कैसे रहा है। अच्छा जी ये फिर बाहर जाना चाह रहा है, टीवी जरा लगा ना उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, ये मफिन ना फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था इधर पीछे विंडो से। जी ये रात का खाना, यहाँ बच्चों ने भी खाना खा लिया, बच्चे ने बिल्लू कुछ क्या हेजल को क्या कह रहा है, बिल्लू साशा भी, साशा को मैंने क्लीन किया पीछे से वॉश किया है, अभी साशा को भी ट्राई करते हैं। हाँ जी मबू आज आपके पापा ना, आपके पापा आज मरने लगे थे,
पता नहीं कैसे बचत होगी उनकी, अल्लाह ताला ने बचा लिया। मोनी आयतल कुर्सी जो हर वक्त पढ़ती रहती है, आयतल कुर्सी ने बचाया माशाल्लाह से ना। मोनी मोनी तुम्हें कुछ जीजी बिरयानी बिरयानी उजड़ा उजड़ा चमन हो गया बिरयानी। हाँ मफू मफू को क्या चाहिए बेटा, मफू कुछ कह रहा है तुमसे। हाँ बहुत तो नामुमकिन है। अच्छा छोटे डाउन को खाना चाहिए था, आप खाना खा रहे हैं। ये देखिए जी ये दोनों माँ बेटा ना एक तरह के हो गए हैं, जोया और जोए के साथ सुलेमान है। ये देखिए माशाल्लाह से सुलेमान की टेल देखें कितनी फ्लफी है टेल इसकी। सुलेमान को सुबह नहला दूँ, इन दोनों को भी नहला देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये दोनों बिल्कुल सेम एक टू एक सेम कैटेगरी है, सेम बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। मैं कहने वाला था एक टू एक जैसे हैं, हैं जुबान स्लिप हो गई थी जी। मेरा खाना भी आ चुका है, मैं भी खाना खाने वाला हूँ और इधर बच्चे खाना खाने वाले हैं। इधर बच्चे खाना खा रहे हैं, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। चले जी मैं भी खाना इंजॉय करता हूँ, ये भी खाना इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी मैक्स क्या चाहिए मैक्स, और आप लोग भी खाना इंजॉय करें। बिल्लू बिल्लू बिल्ली मोटी ताज़ी बिल्ली बिल्लू बिल्लू भी हमारे पास बैठा हुआ है। ये नीचे से बार बार देखता है कि मुझे कुछ खाने को दे दें ये, लेकिन करेले थे तो ये खा नहीं सकते। रोटी के नवाले मैंने इन्हें दिए थे पर ये इन्होंने खाए नहीं, क्योंकि रोटी इतनी पसंद नहीं है। बिल्लू बिल्लू बहुत बिल्लू क्या खाना है, क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की। और वो देखें वो साशा साहिबा उधर बैठी हैं लालच में ना कि मुझे कुछ मिल जाए। कुछ दिया सा बिरयानी आपको नहीं कुछ चाहिए, उजड़े चमन कुछ नहीं चाहिए बिरयानी, मोटी ताजी गंदी बिरयानी। तो बस जी आप ही मेरी कैट्स को देख के माशाल्लाह लाजमी पढ़ें और मेरी सब कैट्स को अपनी दुआओं में याद रखें। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।